हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज आपके एक गेम गॉड कुछ आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोग को ना तो वो कैसे एलाइट पास ले, ना तो कैसे तो गेम खेले, ये सब कुछ चीज़ नहीं बताएगा। मैं बस एक बोलते ना यूनिटी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब यूनिटी एक ताकत है। बहुत टाइम से, मतलब 10-15 दिन से यार, हमारे यूट्यूबर्स जो बहुत सारे यूट्यूबर्स है, किसी का भी नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो हमसे बड़े यूट्यूबर्स है, हमारे उनके सामने कुछ नहीं है क्योंकि उनने बहुत मेहनत की है, हमने अभी स्टार्ट ही किया है। बट हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो भी चीज़ चल रही है। कोई किसी की माँ पे जा रहा है, कोई किसी की बहन पे जा रहा है, कोई किसी को बोल रहा है कि भाई ये पी के स्ट्रीम करता है, या कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है। मत करो यार, ऐसा मत करो। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत करो क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर्स है, आप लोग के पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। हमारे पास तो मात्र 1800 सब्सक्राइबर्स है बस। हमारे सब इंडिया के ही, आपके इसमें कोई बाहर के देश का है, कोई इंडोनेशिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, हर जगह से आपके सब्सक्राइबर्स है यार। आप लोग उनके सामने हमारे इंडिया का नाम डुबा रहे हो। अब क्यों डुबा रहे हो, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ भाई। अगर आप लोग बाहर के देश के यूट्यूबर का जो कम्युनिटी है उसमें देखोगे ना, तो उन लोग सब लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और हमारे यहाँ पे इंडिया में, मैं ये मुद्दे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में ना भाई एक एक जंग है, ठीक है, एक जंग लगी हुई है कि भाई हमको इसको हराना है, ठीक है। अगर वो जंग आपको पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो बहुत ही सही है यार। बट अगर आप उसको गलत वे में ले के यार हर किसी को कुछ ना कुछ बोलते जाओगे तो वो बहुत गलत है। आप लोग प्लीज़ ये चीज़ समझो यार, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लोगे, हम सब एक साथ होके चलेंगे ना भाई, तो इंडिया का भी यूट्यूब के फील्ड में बहुत नाम होगा फ्री फायर के। इसमें बाहर के देश में यार 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स है उनके, मगर वो एक दूसरे को सबको साथ में ले के चलते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को हम गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की माँ पर जा रहे हैं, एक दूसरे की माँ को इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई, ये तो सरासर गलत है यार। क्योंकि जब तक हम साथ में नहीं रहेंगे एक दूसरे के, तब तक ना तो आप आगे चल पाओगे, ना तो हम आगे चल पाएंगे, ना तो हमारा YouTube फ्री फायर कम्युनिटी जो इंडिया का है वो आगे चल पाएगा। बस यार इग्नोर करो यार, ये YouTube का फील्ड वैसा ही है, इग्नोर करने लायक यार। हो रहा है ठीक है, किसी की दूसरे की बात सुन के आप कुछ भी बोलना चालू कर दोगे वो भी गलत है। मैं किसी का नाम नहीं लूँ, मेरे साथ भी ये हो सकता है, मुझे आके कोई कुछ बोलेगा कि भाई देखो आपके बारे में इसने ऐसा बोला है, तो मैं भी रिएक्ट करूँगा। बट रिएक्ट करने से पहले मैं ज़रूर एक काम करूँगा कि भाई मैं उसको पर्सनली फ़ोन करूँ, उसको पूछूँ कि क्या भाई आपने ऐसा ऐसा बोला है। जो बात फेस टू फेस सॉल्व हो सकती है वो 1000 सब्सक्राइबर्स के सामने सॉल्व नहीं हो सकती है। आप लोग अगर फेस टू फेस सॉल्व कर दिए होते, मैं सबको बोल रहा हूँ जिसके साथ भी ये घटना हो सकती है या जिसके साथ हुई है जिसके साथ होने वाली है, कि भाई तुम्हारे सामने अगर आके कोई ये बोल रहा है कि भाई इस यूट्यूबर ने आपके साथ ऐसा ऐसा बोला है, तो प्लीज़ उसे बिलीव मत करो। वो एक स्कैम हो सकता है, या तो वो आपको फंसा, वो जो दूसरा यूट्यूबर है वो आपको कुछ आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें आप भी फंस सकते हो और जो दूसरा बंदा है उसका भी नाम डूब सकता है। तो किसी और की बातों में आके आप मत करो, और ये सब प्लीज़ यार गाली गलौज मत करो यार। इसमें चलो हम तो छोटे यूट्यूबर से, ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ, ना तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है भाई, अगर हम साथ में रहेंगे, क्योंकि एक कहानी है भाई कि अगर एक लाठी है, ठीक है, एक लकड़ा है, उसको हम तोड़ लेंगे, अगर 5 लकड़ा है तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। उसका मतलब होता है यूनिटी यार। अगर हम सब यूट्यूबर्स मिल के यूनिटी बना के चलेंगे ना गाइस, हम सब 1 लाख, हम सब 2 लाख आराम से क्रॉस कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे इंडिया में वो चीज़ कहीं नहीं दिखती है यार। यहाँ पे मोदी जी बोलते हैं देश सुधरेगा, देश सुधरेगा, बट जब तक देश के लोग नहीं सुधरेंगे देश कैसे सुधरेगा। वही यूट्यूबर्स का भी है, यूट्यूबर्स की कम्युनिटी में ये है कि हाँ भाई हम साथ में, हम साथ में बोलने के लिए साथ में, बट कभी साथ में रहते नहीं है यार। ये सब माहौल जो चल रहा है उसमें यार पूरा, मतलब बोलते ना कि हम छोटे यूट्यूबर्स भी ये हो चुके हैं कि भाई हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, अगर हमने कुछ बोल दिया किसी के बारे में तो भाई हमें भी लोग गाली गलौज करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग को हम गुरु मानते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, ठीक है। आप लोग हमसे ऊपर हो, अगर आप लोग ही गाली गलौज दोगे तो आपसे छोटा वाला जो बंदा आपको अपना आइडल मानता है वो क्या सीखेगा।
जैसे कि मेरे आइडल जो है उनको मैंने कभी भी, हाँ वो भी गाली देते हैं, बट मैंने उनको कभी भी ऐसा रूड बिहेवियर के साथ देखा नहीं है। तो मैं आप लोग से बस एक ही, सब यूट्यूबर्स से एक ही विनती करूँगा यार, कि गाली गलौज मत करो, साथ में रहो, बंधु बन के रहो। मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिसका जो भी मैटर है प्लीज़ एक दूसरे को फ़ोन करो, सॉल्व करो कि हाँ भाई ऐसी ऐसी हुई। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई वीडियो बना के मत डालो यार, वीडियो बना के मत डालो, क्योंकि यार गाली गलौज जो होती है वो अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जो गाली गलौज या सब चीज़ हो रही है। जब तक हम एक मुट्ठी है भाई, जब तक मुट्ठी को बनने के लिए ताकत नहीं मिलती, वो ताकत बनो, छोटे यूट्यूबर्स की ताकत बनो। उनको ये मत दिखाओ कि भाई आप गाली गलौज करके कितना गंदा बन रहे हो। ना तो मैं किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ, ना तो मैं उसको बोल रहा हूँ, ना तो मैं सबको, सब यूट्यूबर्स को बोल रहा हूँ भाई। भले मैं छोटा हूँ, मुझे मालूम है ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप भी मुझे गाली दोगे, भाई इसकी कैसी औकात है कि ये वीडियो बना दिए। हाँ भाई मेरी कुछ औकात नहीं है, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं इस इंडिया का ना एक इंसान हूँ, और मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई यूनिटी, ठीक है। मैं एक ऐसे फील्ड में आया, यूट्यूब, यूट्यूब में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब एक फ्री फायर का भी प्लेटफॉर्म बन चुका है यार। फ्री फायर के लाखों लाखों लोग ने यूट्यूब खोला है, अगर हम साथ में मिल जाएंगे ना भाई, हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो बस वो चीज़, और एक दूसरे को भड़काना छोड़ो यार, किसी और की बातों में आके कभी किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ है, वो इंसान डूबा ही डूबा है, वो इंसान डूबा ही डूबा है। तो प्लीज़ गाइज, एक दूसरे की माँ पे, एक दूसरे की बहन पे, कौन ये पी के स्ट्रीम करता है, कौन वो पी के स्ट्रीम करता है, या कौन ऐसा है या कौन वैसा है, सब यूट्यूबर्स एक दूसरे की बुराई करते हैं मालूम है, बट यार जब आप लोग एक हो जाओगे ना, तब देखो कितना अपने सब्सक्राइबर्स को आप लोग मज़ा दे पाओगे। आप लोग के स्ट्रीम में इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह से लोग आ रहे हैं यार। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम आपसे क्या सीखेंगे, हम आपसे क्या सीखेंगे, आप लोग ही बताओ, हम आपसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का बस यही मकसद था यार, कि प्लीज़ मैं सब यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी कुछ भी आके आप लोग को बोल रहा है, तो पहले जाके उस यूट्यूबर के साथ कंफर्म करिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है क्या, क्या तूने ये उसके साथ किया है, क्या तूने मेरे साथ ये बोला है क्या। उसके बाद अगर आप लोग को एक्शन लेना है तो आप लीजिए, क्योंकि इसमें हम सब क्या सीख रहे हैं कि हाँ भाई ये यूट्यूबर का फील्ड है, इसमें गाली गलौज चलेगी, हम सबको ये सीखने मिल रहा है भाई। हम जो छोटे यूट्यूबर जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, जो अभी अभी एक माइलस्टोन पे रीच हुआ हूँ मैं, 1,000 अभी 2,000 पहुँचने वाला हूँ, तो हम सबको क्या प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमको गाली गलौज से ही हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं भाई, अगर हम साथ में एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है यार, मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसके लिए दो हाथ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे को नीचे मत गिराओ। अगर आप वही आज अगर आप एक दूसरे की ताकत बन के दोस्ती कर लोगे ना भाई, तब देखो कि भाई कितना बवाल मचेगा, बवाल क्या बवाल से हद पार बवाल मचेगा। तो प्लीज़ आप लोग से, सभी यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी और की बातों में ना आए, और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ यूनिटी बनाए रखें, प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट। मुझे मालूम है ये वीडियो आने के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आने वाले, भाई तू कौन होता है ये वीडियो बनाने वाला। जी भाई मैं होता नहीं हूँ, बस मैं ये बताना चाहता कि भाई इंडिया एक देश है, उस देश की रिस्पेक्ट करो। आपने इंडिया में यूट्यूब का चैनल खोला है तो प्लीज़ गाली गलौज से उसे डुबाओ मत, या किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, या वो ये पी के स्ट्रीम करता है, वो सब कुछ मत बोलो गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग सब लोग अगर कोई भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ गाइस किसी और के बातों में ना आओ, ठीक है गाइस। यूनिटी स्ट्रेंथ ये मान के चलो, एकता ही बोलते ना, अगर हम साथ हैं, जैसे कि सब पे एक सीरियल आता है यार, सबके साथ, वही सबके साथ बनाए रखो यार, तब देखो हम कैसे आगे एक साथ निकलते हैं। फिर आप लोग खुद ही बोलो कि हाँ भाई हम जब तक एक दूसरे के दुश्मन थे, दुश्मन थे, अभी एक दूसरे की ताकत में हमें कोई तोड़ के बताए, बस और कुछ नहीं। हम सब यूट्यूबर जो है एक दूसरे की ताकत है, उस ताकत को बनाए रखो, और कुछ नहीं बोलना है मुझे। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरी बात कुछ भी बुरा लगी तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को सामने आके भी ये चीज़ बोल दूँगा कि भाई अगर आप लोग बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट भाई बट भाइयों,
सब यूट्यूबर्स मैं बहुत ही देख चुका हूँ भाई, हम छोटे लोग आपसे क्या सीखेंगे यार। ठीक है गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, एंड सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो।